करें और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय कुंज देवी भैया प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। और आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और शुभकामना वास्तव में ये जिम्मेदारी लेकर के आती है, समय अपने पास नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, उपसंहार में तो सारी बातों को दोहराना पड़ता है, लेकिन दोहराने की आवश्यकता नहीं। हम सब ने बार 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 सुना, भूमि की सुरक्षा, जल की सुरक्षा, वायु प्रदूषण की सुरक्षा, वायु की सुरक्षा प्रदूषण को दूर करके, और वन की सुरक्षा, सभी प्रकार की सुरक्षा, उसके तहत जो कुछ भी आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, मंडल के स्तर पर हो, प्रकोष्ठ प्रांत स्तर पर हो, अपने अपने जो छोटे छोटे संस्थाएं हैं या अपने ग्रुप हैं उनके द्वारा हो, हम उसको पूरा करें। भगवान हमें शक्ति दें। जिन लोगों ने आज पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतीक पूजन के रूप में पौधों की पूजा की, वो बड़े बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में जो अतिथि जुड़े बड़े महत्वपूर्ण अपना संदेश देने के लिए, विशेष रूप से जिन योजनाओं को लेकर के परम आदरणीय श्री केपी दुबे जी भाई साहब आए थे, और जिस प्रकार के संकल्पों को याद दिलाई, ये संकल्प पहले से ही हम सबके हैं लेकिन वो पूर्ण हो, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय भाई साहब निर्मल कर जी, उन्होंने जिस प्रकार से पर्यावरण से संबंधित जो विभीषिका को याद दिलाई, तो ये हम सबका बड़ा पुनीत कर्तव्य है और प्राथमिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसके प्रति गंभीर हों। तो सबको इस बात की बड़ी बधाई जिन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस में एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए, आपस में एक दूसरे को ऊर्जावान बनाने के लिए, संकल्पित होने के लिए यहाँ पर समय दिया। और हम सब इसको भूले ना, बल्कि मैं एक निवेदन और भी करूंगी, हमारे बीच में विशेष रूप से युवा भाई बहन और उनकी टीम और बच्चों की टीम, ये सतत काम करती आ रही है। तो जो बाल संस्कार शाला है, बाल संस्कार शाला के बच्चे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ 100-125 जो इन दिनों वे भी स्वर्ण जयंती का आनंद उठाएंगे। और आगामी सप्ताह में ये वार्षिक स्नेह सम्मेलन का जो तारीख 12 और 13 जून को हम लोग जो मनाने जा रहे हैं, हम उसमें भी इस बात का जिक्र करें। और युवा साथी हम सबके साथ जो जुड़ते हैं हमेशा कार्यकर्ता के रूप में, नव प्रवेश युवा के रूप में जो जुड़ेंगे, जुड़ने वाले हैं, उन सबके बीच में इसकी चर्चा करें। और ये जो 1,00,000 पेड़ों की रोपण की बात हुई है, पौधरोपण की बात हुई है, इसको क्रियान्वित करने के लिए इसका प्रचार प्रसार करें। तो हम सबके संकल्प पूरे हों, भगवान हम सबको शक्ति दे और हम अपना कर्तव्य निभा पाए, इस बात के साथ में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सबको बड़ी शुभकामना। और इस बात के साथ में अपनी बात मैं समाप्त करूंगी। आपने याद किया हमें, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। विशेष रूप से प्रकोष्ठ के जो केंद्रीय हमारे भाई लोग हैं, जिनकी ये मेहनत से पूरा हुआ, हमारे भी अतिथि जिन लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। इसी तरह से ये जो भी विश्व स्तर के प्रोग्राम हैं, प्रदेश स्तर के प्रोग्राम हैं, वो चलते रहे। हम सब प्रकृति माता और हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, हमारी गुरुसत्ता पर भगवान के कुछ काम आ सके आते रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में और आप सबके लिए बहुत शुभकामना बधाइयों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ। प्रणाम, धन्यवाद।